सर, जिस तरह से मांग आ रही है कि कमलनाथ जी दिल्ली ना चले जाएं, आप लोग क्या मांग करते हैं संकट की मध्य प्रदेश? लोग कोरोना की बात करें, कोरोना पे मैं सोचता हूँ कि जो भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में जो सहयोग किया है सरकार को आम जनों ने, ये आइसोलेशन बनाया ना घर में रहे, ये निश्चित तौर पर लाभ, क्योंकि ये बीमारी इसका इलाज बचाव है केवल। आइसोलेशन हुआ लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव भोपाल में पाए गए हैं, जो लंदन से लड़की गुंजन सक्सेना आई थी, एक और बेंगलोर से, जोधपुर में छे, तो ये जिससे भी मिले होंगे वो फैलने की संभावना रहती है। हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क का क्या हाल हुआ है और इटली चीन, जबकि वहाँ प्रिकॉशन रखे गए, तो ये थर्ड स्टेज में पहुँचे हैं तो बहुत मुश्किल होगा। 6 मार्च को जो बैठक हुई थी कमलनाथ जी की अध्यक्षता में सरकार की, उसमें सब चीज़ें उस दिन नियत कर दी गई थी कि 20 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हों, आइसोलेशन करना पड़ेगा, सेपरेट वार्ड खुले, जो बाहर से आए उनका चेकअप हो, एयरपोर्ट पे चेकअप हो, ये सब चीज़ें कर दी गई थी। लेकिन राजनीति चली, उन सब चीज़ों को राजनीति में किसी ने माना नहीं, इसलिए विधानसभा की बैठक भी 26 मार्च को बढ़ाई। पर अभी इसमें ये सब एयरपोर्ट पे चेकिंग होनी चाहिए, जो स्लम्स में है और खुदरा व्यापारी है, इनकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये भुखमरी की स्थिति में पहुँचेंगे, उस चक्कर में और निकलेंगे बाहर। तो राशन निःशुल्क दिया जाए 3-3 महीने का, और जिन लोगों का पास कार्ड नहीं है उनको भी दिया जाए स्लम्स में, क्योंकि वो आप कंस्ट्रक्शन से काम सब बंद हो गए, वो दिया जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर से चीफ सेक्रेटरी से भी कहा है, ये पहले तो व्यवस्था पूरी हो, और जो अभी कंस्ट्रक्शंस हैं स्वास्थ्य विभाग के और मध्य सरकार के, इन सबको फॉलो करना चाहिए। 30 तारीख तक जो कहा गया है, ये सब आइसोलेशन और 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, बाकी की राजनीति बाद में होती रही, लेकिन जनता को बचाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए।